आइए आज मुआजना करते हैं पुराने दौर के इश्क में और आज के जमाने के इश्क में। वेलकम टू मस्तियां। अरे अच्छा जे पता से वंडा हां ओए अज कई दी कर ले माही नू मैं उचिया कर ला कंदा हां ओए अज कई दी कर ले माही। अच्छा आशिक चाहे नए दौर का हो या पुराने दौर का हो अपने एवेटार से पहचाना जाता है। ओए अब गाना छड्डो जी उम्र मेरी 82 थी 164 हर इश्क च दो दो बारी छितर ना पैण इश्क करन दा स्वाद ही नहीं है। अच्छा तुहानू दो बारी नहीं पाया होया मैनू लगदा तुहानू अन्नेवाह छितर पाया है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा ड्रेस पाया है। थैंक यू। ए जी कुड़ी इंग्लिश फिल्म में पहले सीन से गिरफ्तार हो जाती है। अच्छा बाबा खा लेता हूँ। एक्सक्यूज मी ये लव स्पॉट नहीं है ये मेरा शो है सीधे होके बैठे। नहीं भैया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। सही है जिवें उन्होंने किया ना कुर्बान हो गया तड़ते कुर्बान हो गया बाबा रंजा। अरे बाबा पिज्जा स्लाइस खिला रही हो चलो मैं मुंह खोल रहा हूँ। ओह मुझे मिर्ची लगे पानी पिलाओ पानी। उधरों की अम्मी का फोन है। Excuse me, मेरी गर्लफ्रेंड फरीहा है। जेड़े 164 ना स्कोर करके बैठे थे उन्होंने गाली दी। 164 तो बाहर रन आउट हो गया सी। नहीं नासर पुत्र नहीं इश्क टूटा तो इस्तखारा किया ओहो फिर हमने इश्क दोबारा किया। ए जो बंदे दी ऐनक लाओ तो तलो डेले सफेद हुंदे। हमने तो आशिकों के जो किस्से सुने हुए उसके मुताबिक एक शख्स को एक ही लड़की से मोहब्बत हुआ करती थी। यहाँ 164 का स्कोर है आपका। और अमेरिका च एहो जिहियां कुड़ियां सिर्फ गोश्त बेच दियां हुंदियां। बाबा जी का कितना स्कोर है जी? 164। बाबा जी ये छक्के कितने ने? जो बाबे दी सेहत है ना इक्के दुक्के ज्यादा ने। आपकी ही तमन्ना क्यों करें हम? क्या आप ही हमारी जरूरत हैं? और वहम इतना हसी नहीं होता आप बाकी खूबसूरत। माया वे तेरे वेखण लई चक चरखा गली दे विच डावा माया वे तेरे देखण लई। एक्सक्यूज मी ये बाबा आपने मेरे साथ क्यों बिठाया? ओ बाबा तू होएगा बाबा। ना करी लो जी मैं जरा सख्ती की थी ना तो इश्क 165 हो जाने। बाबा जी जब आपको पहली दफा मोहब्बत हुई थी तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा था? हाय हाय तो बाबा फौत हो गया जी। हाय 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 की अम्मी याद आंदी पई। मैं भी एक बारी फिर हाय हाय इहो जे बाबे दी ऐनक लाओ ना तो सिर्फ अखबार दे पीस लगे हुंदे। तुहाडे नाल वाला बच्चा जिहड़ा ना मेरे ख्याल अपने रोल च इंडल्ज हो गया है। मेरी नाइटी ने ड्रिप लगवाई क्या नहीं बताओ? और इहो जे बंदे ने कीड़ी फसाई हुंदी। पहले इश्क की दास्तान सुना रहे थे आप वो कहाँ गई? हाय वीना जी आतिश जवान सी एक कुड़ी दा प्यो पहलवान सी। ओके खाड़े जी जंज गई होएगी। उस कुड़ी दी अखां च मेरी जान सी। वाह क्योंकि सोहनी महिमा ने जिहड़ा इश्क कीता ना अच्छा अच्छा सानू ते कोई तारीखदान लिखण वाला नहीं मिलिया। मुड़िया तू इन्हां दी गल्लां गुल्लां लिखदा रहना तू कितें मेरे इश्क दी स्टोरियां लिखियां हुंदियां ना हुण तू शेक्सपियर तो वड्डा राइटर होना ही। बाबा छड्ड दे तुसीं अपनी गल सुनाओ इन्हां तों जुत्ती ते नहीं लिखणा। वैसे आज के जो लवर्स हैं देखें कभी भी व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके महबूब का दीदार कर लेते हैं आपके पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं थी। वो तो किथे अभी लंघ दे लूंगे ठीकरी च रुका जल वेट के कहीं सुट के तो निकल जाना जो रौला पैना तो अभी उस रौले च रल जाना। एक बगैर तेने काम किया। शुक्र है असि अज के दौर च पैदा नहीं हुए। क्यों साढ़े दौर भले दौर होंगे शर्महिया दौर बे इश्क भी है तो इजहार नहीं है। ए तो हम मोबाइलों से गल हो रही मैं कहना उत्थे उत्थे तो कितने माड़ा जहा दर्शन कितने हो जाना बुआ ढोंदी वेख ली तो महीना महीना सानू सुकून रहिंदा। मोबाइल फोन नहीं था तो इजी लोड भी नहीं कराना पड़ता होगा। भाई मैं कहना सस्ते इश्क होंगे सन जी एक रुमाल सिल्वर की अंगूठी एक क्रीम वाली शीशी ते छे चूड़ियां मैं कहना कन्ना तक महबूबा राजी हो जाती होंगी। नीली बी रेडी 15 प्रो मैक्स आ रहा है तुम्हारे लिए। वो नीली है क्यों ओनू कौन जावेद विर्क नु जाननी है? जावेद विर्क अंकल को जानती हो? फोन बंद कर दिया तेरे मैच बंद ही कराने सारे। बैठे बैठे ये तीसरी लड़की है जिससे आप बातें कर रहे थे इश्क को तो बदनाम करके रख दिया आपने। कितनी दोस्त हैं आपकी? मेरी बहुत सारी हैं। अच्छा पता कि तू लत्ता उत्ते करके भी लम्मा पै जाना तेन सोफा पूरा हैगा। इहो जे बच्चे जड़े है ना अपनी महबूबा नु मजबूरी दस के वापसी का किराया ले लेंदे। अच्छा बाबा जी कभी किसी इश्क च फड़े गया वो? नहीं ना पुत्र अच्छा चोर तो चंगा आशिक कभी नहीं फड़ा जाता। भाई मुलाकात किस तरह होंगी पिंड च किसे मिलना ही मैं फिर मुलाकात कितने करते सी? मैं लंघदे लंघदे मैं राती मैं कब्रस्तान बड़े बोर्ड थले मलक साहब की कबर ते इंतजार करांगा उधरों उन्होंने भी कहता उदे हुंदा सी ए हुंदा सी शट अप जो ये कहती सी आ इहदा मतलब घर च सारे जी है छोटा जिहा कंगूरा
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲੈਣ ਬਈ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੱਤ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੋਕੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧਵਾ ਦੇ ਵਿਨੇ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪੜੀ ਹੈ ਕਭੀ ਮਾਰ ਇਸ਼ਕ ਮੇ ਅੱਛਾ ਮੁਝੇ ਟੀਨਾ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਦੋ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਹੇ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਪੇਲ ਬੀਬੀ ਕੋ ਛੱਦੂ ਲਗੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਅਪ ਟੂ ਛਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਛਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਸਿਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਟੀਨਾ ਕੋ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਪਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗੋਪਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਹਾਏ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ